क्या हो गया बेटा? मेरे पास सिर्फ एक हैंड है। ये तो रोबोट का हैंड लग रहा है। ये रोबोट नहीं है। अच्छा चलो, अब चल रहे हैं बेटा। हम कहाँ जा रहे हैं? हम पता है आपको, हम जा रहे हैं आपके लिए क्या लेने? क्राफ्ट एंड बुक्स। और मेरे को मेल भी चाहिए, मेल वाला चाहिए। ठीक है, चलो जल्दी रेडी हो जाओ, आ जाओ। Hey guys, welcome back to the channel. कहाँ पे खड़े हम? Yes, it's another not so shopping vlog because मुझे नहीं पता है कि जहाँ हम आए हैं वहाँ पे हम shopping करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं भी यहाँ पहली बार आ रही हूँ The Salvation Army का thrift store, और ये वीडियो requested वीडियो है। हमारे एक बहुत ही प्यारे व्यूअर हैं जिन्होंने मुझे बहुत सारे शॉपिंग वीडियोस पे लिखा था कि प्लीज थ्रिफ्ट स्टोर की वीडियो बनाओ। मैं खुद कभी थ्रिफ्ट स्टोर नहीं गई, लेकिन मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं थ्रिफ्ट स्टोर की वीडियो पक्का बनाऊंगी इंडिया जाने से पहले। तो लेट हो गई प्रॉमिस निभाने में, लेकिन प्रॉमिस निभाया जरूर है। तो थ्रिफ्ट स्टोर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। बहुत सारी कंट्रीज में थ्रिफ्ट स्टोर होते हैं अलग अलग नाम से, थ्रिफ्ट स्टोर, अपॉर्चुनिटी स्टोर, या फिर आप यहाँ पे वैल्यू विलेज भी है, ऐसा अलग अलग नाम से है। तो ये चैरिटी स्टोर्स होते हैं, बहुत सारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको लोग चैरिटी में पैसे ना देकर, डॉलर्स ना देकर कुछ सामान देते हैं, लाइक यूज्ड सामान देते हैं जो अच्छी कंडीशन में होता है, कई बार बुरी कंडीशन में होता है और कई बार नया सामान भी होता है। जो भी इनको डोनेशन में वो सामान मिलता है वो अपने स्टोर्स में यहाँ पर वो सेल करते हैं, और उससे जो पैसा आता है वो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन, उस चैरिटी, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के काम में लगता है। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं। टोरंटो के स्टोर में आया हूं। ये हमारे घर से 68 किलोमीटर दूर था, लेकिन मैं चाहती थी कि हम किसी ऐसे स्टोर में जाएं जहां पे वैरायटी बहुत अच्छी हो, स्टोर थोड़ा बड़ा हो, ताकि वीडियो बनाने में मजा आए। ये वॉलंटियर है शिल्पा। ये वॉलंटियर है, और ये नेकलेस 6 डॉलर। इट्स सच अ बिग स्टोर। यस, इट्स अ वेरी बिग स्टोर। चलो आ जाओ आ जाओ, लीव इट। ये मेरा है। नहीं बाबू, दो दो नहीं लेके घूम सकते हो। वी कैन टेक ओनली वन। ये $7 का है। व्हाट इज दिस? कैंडल स्टैंड, मतलब इन सब में आप टी कैंडल्स लगा सकते हो। $5 की ये प्लेट है, मतलब कभी फ्रूट प्लेटर या सैलेड, राइस प्लेट बन सकती है ये, देख रहे हो? ये आप एमए की गाड़ी तो रेडी हो गई। और आई एम हैविंग अ फन राइड, बाय पापा। यार ये देखो, $7 का, $7 का, मतलब जिनके साइज का है, नॉट बैड। ये स्मॉल है तो $20 का है, बट ये बनाना रिपब्लिक का है, बनाना रिपब्लिक $20। हाँ तो ये है कि यार यहाँ पे आपको कई बार ब्रांड्स भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं सस्ते। Yeah, this is Statue of Liberty. I mean, you're right. Yeah, you look. I call it Statue of Liberty. यार अगर कंडीशन अच्छी हो ना कपड़ों की, तो बहुत सारे लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये देखो $12 की, ये रहा ओल्ड नेवी की,
नॉट बैड, यस। और ये देखो यार इसकी कंडीशन बिल्कुल अच्छी है। ये ज़ारा का है, ज़ारा का जो $30 का भी है, $12 की। ये देखो बनाना रिपब्लिक का एक और है $20 का, यस। मैं ट्राई करती हूँ इसको भी। अच्छा लग रहा है, ले लूँ? यहाँ से थोड़ा पुराना लग रहा है, देखो है ना, इसके ये खराब हुए हुए हैं। That's why it is here. यार ऐसी बात नहीं है, लोग अपने परफेक्ट कपड़े भी देते हैं जिन लोगों को लगता है कि हाँ बस हो गया अब हम नहीं पहनेंगे। ये देखो अभी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में पड़ा हुआ है, एंड इट फॉर $10, H&M का ट्रेंच कोट। इसका रेट नहीं लिखा हुआ, तो कह रहे फ्री ले जाओ। यहाँ पे लाइब्रेरी सेक्शन भी है, देखो यार ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। जो बुक्स आपने पढ़ ली है अब वो तो आपके लिए बेकार हो गई ना, अगर आप उनको इतनी पसंद नहीं किया कि आप दोबारा उनको पढ़ोगे तो यहाँ पे आके डोनेट कर सकते हैं। तो मेरे पास भी बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं, अगली बार अगर कभी आएंगे तो मैं यहाँ पर अपनी बुक्स दे दूँगी। अब ये देखो यार रेट देखो बुक्स का। हेलो किटी बुक चाहिए, ओके लेट मी सर्च हेलो किटी बुक फॉर यू। किड्स बुक्स जो है वो $2 की है, सॉफ्ट कवर $2 एंड हार्ड कवर $4। हार्ड कवर खरीदो $4 या सॉफ्ट कवर खरीदो $2, पढ़ लो वापस यहीं पर डोनेट कर दो। ओ ये किसी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे की बुक है, उसे सारे सम किए हुए हैं, एमी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ। देखो ये मैथ्स बुक, ऐसा कुछ मैं एमी के लिए ढूंढ भी रही थी। Yep, you're right. अब ये तो सारे कपड़ों का सेक्शन था, यहाँ पे वहाँ बुक्स का सेक्शन था, ये सारा यहाँ पे ग्लासवेयर पड़ा है। होम डेकोर देखते हैं चल के। तो होम डेकोर में मोस्टली वॉल आर्ट है, पेंटिंग्स है, क्योंकि ये हर थ्रिफ्ट स्टोर का कॉन्सेप्ट रहता ही है यार कि सबसे ज़्यादा डोनेशन उनको कपड़ों की आती है। हम लोग भी जब कपड़े कुछ पहन लिए दोबारा पहनने का मूड नहीं है उनको, तो वही डोनेट करते हैं। तो वैल्यू विलेज चले जाओ, थ्रिफ्ट स्टोर चले जाओ, बहुत बड़ा सेक्शन कपड़ों को डोनेट होता है, और थोड़ा बहुत बाकी चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। इनफैक्ट मेरे को तो वो सेल्फी स्टैंड वगैरह, वो कैमरा स्टैंड भी कुछ दिख रहा है यार, वहाँ पे चल के देखते हैं। किचन का इलेक्ट्रॉनिक्स भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। होम डेकोर अ बिट डिसअपॉइंटिंग, बट यार चैरिटी शॉप है, कम ऑन। हाँ ये देखो ये पुराना रिकॉर्ड, ये हीटर है $40 का, ओ वाओ ये $20 का है। लैम्प बड़े पुराने स्टाइल के पड़े हुए, ये $20 का है, दिस फॉर $20 अमित, बट यूज़ करके देखो कि ये हो जाएगा कि जैसे कैसे करोगे। ये देखो अभी ये चीज़ अमित ने अमेजोन से मंगाई है, अमित कितने की मंगाई थी? मैंने $65 की मंगाई थी अमित ने अमेजोन से, और ये यहाँ पे $20 की मिल रही है। तो अमित चेक कर रहे हैं, अगर सब कुछ परफेक्ट है इसका तो यार अमेज़ॉन वाली रिटर्न कर देंगे, ये ले लेते हैं, है ना, थ्रिफ्ट स्टोर में आने का फ़ायदा हो जाएगा अगर ये वर्क कर गई तो। ओके सो एवरीथिंग वर्क्स फाइन इन दिस, बट देयर इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग हियर, जिसके ऊपर हम अपना कैमरा या फिर अपना मोबाइल अगर लगाना है तो हम वो सेट जो करते हैं, तो इसके ऊपर वाला स्लॉट मिसिंग है, क्योंकि ये उसका लॉक है, बट लॉक करने के लिए जो चीज़ होती है वो मिसिंग है यहाँ पर, सो वी हैव टू लीव इट। मेरा ऑस्कर, मेरे चैनल को आज 1 साल पूरा हुआ है, मेरा ऑस्कर $6 का जगह है, आप 25 का लेकर आए थे, ठीक ही तो है $2 का। यहाँ पे रेट ठीक है, क्रेजी रेट नहीं है। फ्रिज पड़ा हुआ है, कितने का है? $150 का, इतने का नया आ जाता है वैसे।
तो ये ओशकोश ब्रांड का विंटर कोट है, ये नया स्टोर पे 120 से लेकर 180 तक का आता है, और यहाँ पे ये $20 का है, तो मतलब 8 साल के बच्चे का है, तो जिनका 8 साल का बच्चा है, क्योंकि बच्चों के विंटर कोट्स का पता क्या रहता है, इनफैक्ट एमी के साथ भी हम ये एक्सपीरियंस करते हैं, हर साल आपको एक नया विंटर कोट लेना होता है क्योंकि उनका साइज़ हर साल बढ़ता जाता है, तो हर साल $120-$130 विंटर कोट्स पे खर्च करने के बजाय, या इट इज़ प्रेफर्ड कि यार बच्चों को, यार क्योंकि बच्चों ने एक साल ही तो पहना होता है यार, गर्ल्स टू डू फिक्स, क्या पता एमी के लिए कुछ मिल जाए यहाँ पे, है ना एमी? ये देखो क्या एज की है, ये 4 साल के बच्चे की है। एमा डू यू वांट दिस यूनिकॉर्न पैंट? ये कितने साल की, ये 3 साल के बच्चे की है, मैं छोटी होगी। हाँ इतना, मेरा बच्चा 5 साल का है, उसकी इतनी भी बेइज्जती मत करो कि 3 साल के बच्चे की दिखा रहे हो उसके लिए। ये 157 का सोल्ड हुआ है भाई, दिस इज फॉर $100, ये $40 का है, ये देखो दिस इज फॉर $50, कैन नॉट बिलीव इट, ये $7 का है, सीनियर्स के लिए 10% ऑफ और एडिशनल, ओके $70 का टीवी मिल रहा है भाई। ओ याद है हमें भी ऐसे लेकर आना था, डोनेट करना था, एमी की कुछ वो पड़े हैं हमारे पास गेम्स, जो हमें लगता है कि यार एमी खेलेगी तो मेसी मचाएगी, तो हमने सोचा था कि वो किसी साल्वेशन आर्मी स्टोर पे डोनेट कर देंगे। ये मिनी टी सेट है, डेकोरेट मिनी टी सेट, तो ये ऐसा प्लेन मिलेगा और उसमें कलर वलर है, कितने का है? आई वॉन्ट टू बाई इट फॉर एमी, ले ले। ये मोल्ड एंड पेंट प्रिंसेस, डू यू थिंक वी शुड बाई इट वन फॉर एमी? है ना, वी आर बाइंग यू वन टॉय। You already got 3 toys. अच्छा ये बताओ, ये वाला इस पे पता क्या है ये? Oh mold, just mold and paint your favorite colors. पहले mold भी करना पड़ेगा क्या उनको? Yeah. Mama, this is... Oh no 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 no. ये तो हमें वो मिलेगी आपको, plaster of Paris clay. ये ठीक है, मैं इसको फिर decorate करना है ना? Tea party set चाहिए? ये लो. बच गए. ये तो पंगा ही उठा लिया था. इसमें ये clay के packet मिलेंगे. ये मोल्ड मिलेगा, मोल्ड ट्रे में क्ले के पैकेट, प्लास्टर पाउडर के पैकेट डाल ले हैं, और फिर वो डॉल्स निकल कर आएंगी और फिर उनको पेंट करो, और उसके बाद फिर घर की सफाई करो, उसके बाद घर की सफाई करो। हमें ये पंखा लेना है क्या? पंखे क्या कर रहे हैं, पंखे की हवा नहीं मिलती यार यहाँ पे। फ्लावर्स बड़े मैले हो गए हैं इसके, तो यहाँ काफ़ी क्रॉकरी भी पड़ी है, ये लाइक फ्रेंच फ्राइज वगैरह के लिए, कुछ स्नैक्स के लिए, और साथ में डिप लगा लो, है ना, ठीक लग रही है ये तो। रेट नहीं पता इसका क्या है, ये सजा के सब्जी लेकर आओ भाई, रेस्टोरेंट की तरह। हाँ हाँ बाबू, ये टी सेट है, इसमें कलर भी है, आपको टी पॉट तो ये था हमारा एक टूर थ्रिफ्ट स्टोर का, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी यहाँ पर आकर कुछ लूँगी, लेकिन हाँ उठा ही लिया सामान। एक हमने एमी के लिए ये टी सेट लिया है, जिसको एमी खुद कलर करेगी, ये नहीं लिया है, और एक ये बुक लिया है एमी के लिए। हाँ हाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी और कप भी, और 3-4 ये बुक्स लिए मैंने यहाँ पे, चिकन सूप फॉर द टीनेज सोल 3rd और 4th पार्ट उसका, पढ़ने के बाद मैं यहीं पर इनको आके डोनेट कर जाऊँगी, मतलब किसी भी थ्रिफ्ट स्टोर में, इतनी दूर नहीं आऊँगी 70 किलोमीटर दोबारा ड्राइव करके। एक मैंने ये बुक ली है, ये पैरिस के ऊपर है, मुझे नहीं पता व्हाट इज़ अबाउट इन दिस बुक, मैं रिव्यू शेयर करूँगी पढ़ने के बाद, ऐसे ही बता दूँगी अच्छी लगी या नहीं, क्योंकि कोई ऐसी बुक ली है मैंने जिसका कोई फीडबैक नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, बस नाम से ले लिया है, बिकॉज आई एम क्रेजी अबाउट पैरिस। और ये एक पाकिस्तानी राइटर की बुक है, तो बस इसलिए ले लिया मैंने कि मुझे बस एक पाकिस्तानी बुक पढ़नी है, दैट्स इट। तो ये 4 बुक्स, एक एमी की बुक, एक एमी के लिए पैंट, और एक टी सेट।
तो हमने भी अच्छी काफ़ी शॉपिंग कर ली है यहाँ पे। और एक ये एमी ने लिया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। कभी यहाँ का टूर भी देंगे आपको गाइस। फाइनली थ्रिफ्ट स्टोर से भी हमने शॉपिंग कर ही ली है। टोटल हमारा $30, नहीं बाद में हमने ये बिल कराया, $33 का बिल बना टोटल हमारा। और काफ़ी सारी चीज़ें आ गई है $33 में। दैट वॉज आवर थ्रिफ्ट स्टोर वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। यार मैं देख रही हूँ कि वेज में क्या है। वेज में मेरे को सिर्फ एक वेजी बर्गर दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर तुम्हारा तो फिर फाइनल ही है वेजी बर्गर, हमें ही चॉइस करनी पड़ेगी। एमा आपकी ड्रिंक आ गई। एमा दिस इज लुकिंग नाइस, कैन आई टेक अ सिप? एवी आई वांट टू ईट योर कोन। एंड दिस इज फॉर मी। तो अपना भी कुछ मंगवा लेती। आया है, आएगा मेरा वेज बर्गर, उसमें क्या है? लीटर्स और टमेटो डालकर दे रही है।